नमस्कार, आप देख रहे हैं तिज्जा चैनल। ये सवाल है दोस्तों, 5 डिसमिल का मकान नक्शा कैसे बनाते हैं, इसको देख लीजिए। पूरा वीडियो को देखिए, सवाल किया हुआ है तो निश्चित ही हम बना कर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये 5 डिसमिल का प्लॉट में इस तरह से मकान डिजाइन इस तरह पसंद आए तो बना सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ से इधर से यदि आते हैं तो ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं तो इधर हॉल 18 18 18 बाई 18 का हॉल इसको रख सकते हैं, या फिर इसको 18 15 का हॉल रख सकते हैं। और इसी हॉल से ये 14 12 का सेकेंड हॉल है, ये स्पेशल हॉल बना सकते हैं या बेडरूम बना सकते हैं। और यहाँ से जब इधर आते हैं तो ये बेडरूम बेडरूम है 10 12 का। और यहाँ से और इधर ये किचन है, इसमें किचन का अलमारी इस तरह से रख सकते हैं। और ये किचन से जो भी बनता है, डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम है यहाँ पर, ये 20 15 का है, ये 20 फीट यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक 15 फीट का ये चौड़ाई है दोस्तों। और ये 3 फीट का ये गलियारा है, और ये 12 15 12 15 का ये बेडरूम है, और सेकेंड बेडरूम इधर ये भी 12 15 का है। इसमें से सीधे डाइनिंग हॉल से यहाँ जा सकते हैं, और इधर ये गलियारा से सीधे इस बेडरूम में जा सकते हैं। यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ दीजिए, ये 6 फीट चौड़ाई का एक खाली जगह है, और यहाँ से दरवाजा है, शौचालय का है, ये 8 12 का शौचालय है इसमें, और ये 10 12 का किचन है दोस्तों। यदि इसमें कॉलम देना चाहेंगे तो ये यहां से ये 15 फीट के अंदर ये 12 12 फीट के अंतराल में कॉलम दीजिए, 6 कॉलम, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18 कॉलम। 18 कॉलम में आपका घर जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये साधारण भाषा में बता रहा हूं, और साधारण है, देख लीजिए। यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर सीढ़ी इधर से यदि बनाते हैं ऊपर जाने के लिए, ये राइट हैंड टर्निंग इधर करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर बाहर से यहाँ पर और एक देना चाहेंगे शौचालय, बाहर से आने वालों को तो दे सकते हैं। और यहाँ का चौड़ाई दोस्तों ये 10 8 का चौड़ाई है, यहाँ बैठा सकते हैं यदि बाहर से आने वालों को यहाँ पर बैठाना चाहेंगे तो। और या तो यहाँ से सीधे हॉल में 18 18 का हॉल इसको बना लीजिए, या तो 18 15 का, या फिर इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको 20 18 का बना सकते हैं, और इसको 18 15 का इस तरह चेंज करना चाहेंगे तो इजी तरीका से चेंज हो सकता है। और इसमें से आ सकते हैं इधर, और यहां पर ऊपर में चाहे तो जाली दे सकते हैं प्रकाश आने के लिए, या तो फिर आवाज आने के लिए, या तो नहीं भी दे सकते हैं। 2 4 का ऊपर में छत ढलाई में दे सकते हैं, देना चाहेंगे तो दोस्तों। इस तरह का यदि बनाते हैं तो इसमें इधर 4 फीट का छज्जा दीजिए और इधर 2 फीट का छज्जा दीजिए, ताकि सुरक्षित रहे दीवार। अब देखते हैं प्लॉट, 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 2178 स्क्वायर फीट का है। और हमने मकान दीवार कितना में सेट किया है, 30 गुणे 60 यानी कि 1800 स्क्वायर फीट। इसी को यदि ये छज्जा को जोड़ दें 4 फीट इधर और 2 फीट इधर, यानी कि 36.3 फीट चौड़ाई गुणे 60 बराबर 2178 वर्ग फीट 5 डिसमिल का होता है। इसमें इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, इजी तरीका से। ये सवाल था, इसलिए हमने जो है नक्शा बनाकर पेश किया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।